सत श्री अकाल जी, स्वागत है सारिया का। अज एक बहुत इंपोर्टेंट सब्जेक्ट लैके आए हैं, कैनेडा स्टडी वीज़ा। जिहड़े भी स्टूडेंट करन जांदे ने तकरीबन बहुत ज़्यादा थोरो स्टडी वो करते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स को जाते हैं, पर किते ना किते सवाल एक डेफिनेट जवाब नहीं है कि कनेडा जाते एग्जैक्टली किन्ने पैसे लगते हैं जे स्टडी वीज़ा ते कनेडा जाना, एग्जैक्टली अमाउंट किन्नी है। सो जानने की कोशिश करांगे कि घट तो घट किन्ने पैसों के विच कनेडा जाया जा सकता है। साढ़े नाल अज एज एन एक्सपर्ट मौजूद ने वीज़ा ऑफिस के मैनेजिंग डायरैक्टर रणजीत सिंह बल। पहला उन्होंने स्वागत कर दी, स्वागत है जी। मेहरबानी दीपक जी, प्रोग्राम देख रही सारी ऑडियंस मेरे वीज़ा ऑफिस की टीम से मेरे वालों सत श्री अकाल जी। रणजीत जी, इस तो पहला कि मैं थोड़े तो सवाल पूछा, जानने की कोशिश करा कि कनेडा के एग्जैक्टली किन्ने पैसे लगते हैं। मैं नैट पर कितने भी देखा कि 5 लाख च कैनेडा। बिल्कुल जी, ये एडवरटाइजमेंट दीपक जी तुम्हें देखी है, आई एम श्योर जो व्यूअर ने अपने उन्होंने भी काफ़ी ने देखे हो गए कि कैनेडा वीज़ा नाउ इन 5 लाख। सो देखो जी, ये आप 100% सच्चाई नहीं कह सकते, कितने ना कितने आप जो एडवरटाइजमेंट में गल करिए तो सारिया चीज़ों के नहीं होंगे। देखो अगर तो आप पॉसिबिलिटी देखिए तो यस, कॉलेज की दीपक जी जी फीस होंगी है वह 7,000-8,000 डॉलर तक भी होंगी जो प्रैक्टिकली देखिए। तो जी कॉलेज की फीस की जो गल करते हैं तो कॉलेज की एक साल की फीस विद इन 5 लाख पे कर सकते हो। हुण जे तुसीं कॉलेज की फीस पे कर लोगे, अंडर एस टी एस फाइल नहीं लगाने। अंडर एस टी एस मतलब कि साल की फीस प्लस जी आई सी तुहानू जिहड़ा पे करना पैंदा एक साल की लिविंग कॉस्ट। हुण इत्थे अगर तुसीं एक साल की लिविंग कॉस्ट नहीं भर रहे, 5 लाख की सिर्फ फीस भर रहे हो, बाकी अपने फंड शो कर रहे हो, तो यस हो सकता कि तुहाडा वीज़ा आ जाए, तुसीं 5 लाख के अंदर अंदर उत्थे पहुँचो। नॉन एस टी एस फाइल, यस नॉन एस टी एस जनरल कैटेगरी फाइल लगनी है जिसकी सक्सैस रेशो घट रही है, बट ये 6 ईच वाला जिहड़ा है वो अगर लाना चाहता वो एस टी एस चलाता है। 6 ईच ने फीस घट भरोंगे, जी आई सी नहीं भरोंगे, तो तुम जनरल जी जाओगे, चाहे तो बैंड जोड़े वो पूरे 6 ईच है। हूँ दूजी कैटेगरी दीपक जी आती है अंडर एस टी एस। अंडर एस टी एस जो गाइडलाइन कही कोई कहे कि 5 लाख च कैनेडा वीज़ा, यस पॉसीबल हो सकता जिदा मैं तुम्हें दसिया, पर कोई कहे 5 लाख च कैनेडा वीज़ा अंडर एस टी एस कैटेगरी तो यह पॉसीबल नहीं होगा। रीजन की है कि जो उ जी एस टी एस कैटेगरी अंदर जी कॉलेज की फीस है वो इन्नी हो सकती 4 लाख 3.5-4 लाख जिनी भी, बट एक साल की जी जी आई सी होंगी जेनुअन इनवैसटमेंट, जी आप जेनुअन इनवैसट सर्टिफिकेट जो थोड़ा होंगे जी आई सी आप कहते हैं जेनुअन इनवैसटमेंट सर्टिफिकेट, जी आई सी जोड़ा वो 5.5 लाख के आसपास होंगे, मतलब कि 10,200 डॉलर तुम जी आई सी बच्चे, आई एम श्योर सारे बच्चे को पता होगा जी आई सी जो नवे स्टूडेंट उन्होंने वास्ते भी दस दो एग्जैक्टली की होंगे क्यों दें। देखिए जेनुअन इनवैसटमेंट सर्टिफिकेट की जो गल करिए तो यह हाई कमीशन की रिक्वायरमेंट है कि जो तुम अंडर एस टी एस केस लाना है एक साल बच्चे को उत्थे रहने का खर्चा दीपक जी, ये जो 5.5 लाख रुपया जो जाना है जी आई सी के अंडर 10,000-200 डॉलर वो तुम मंथली 700-800 डॉलर करके उत्थे मिलना कि मंथली एक्सपेंस कि तुम उस कंट्री के बोझ ना बनो। तुम एक साल की फीस भरती, तुम एक साल का अपना रहन सहन का खर्चा लैके, ये जी आई सी आप कह दें कि एक साल का खर्चा। हूँ जी आई सी 5.5 लाख है, फीस तुम्हारी 4 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती, प्रैक्टिकली अंडर एस टी एस 10-11 लाख मिनीम एक्सपेंस आ जाता, बट हूँ जे तुम साल की फीस भरते हो, घट फीस भरते हो, फंड शो कर लें, जनरल कैटेगरी से फाइल आने तो हो सकता है कि तुम्हारा वीज़ा 5 आता है, बट ये सक्सैस रेशो जी है टू बी वेरी फ्रेंक काफ़ी जी लो होंगी जनरल कैटेगरी जो फीस घट भरते हैं जी आई सी नहीं कराते। ईवन कि साढ़े को दीपक जी अगर केसिस आते हैं वीज़ा ऑफिस तो केस आते हैं, चाहे देखो जनरल कैटेगरी केस कि लगता है जिसे 6 ईच नहीं होंगे, जिन्हें पी टी आज तो बिना कोई भी एग्जाम दिता तो 6 ईच नहीं है, ठीक है, या 6 ईच आज नहीं है, या आज तो बिना कोई भी अल्टरनेटिव एग्जाम दिता चाहे पी टी चाहे टोफर है वो भी जनरल कैटेगरी च लाता। ईवन जनरल कैटेगरी जो पी टी वाली फाइल लगनी है, असं जो रिकमेंड करते बच्चे एक साल की लिविंग कॉस्ट, सारे एस टी एस वाले एक साल की लिविंग कॉस्ट, एक साल की कॉलेज की फीस जिनी भी होनी है तो वो केस जनरल च लगेगा, लेकिन यहोजे केस जनरल कैटेगरी कैटेगरी के अंदर भी वीज़ा गेन करते हैं, क्योंकि सिर्फ आयस नहीं किया उन्होंने पी टी किया, इंग्लिश का स्कोर अच्छा तो उन्होंने वीज़ा मिलता। लख वाला एक पर्टिकुलर सैगमेंट का केस किया जा सकता है, जो 5-5.5 लाख स्टूडेंट कैनेडा जा सकता है बिना जी आई सी तो जो जाता है उस कैटेगरी च, अदरवाइज कितने ना कितने 10-11 जी एवरेज है। देखो जी बिल्कुल कैनेडा जाना है अज की डेट के 10-11 एवरेज, हालांकि एक्चुअल जो कॉस्ट तुहाडी उही लगी कॉलेज की फीस ही, क्योंकि जो एक साल की कॉस्ट है तुम चाहे उत्थे मंथली भेजी जाओ वापस जो तुम किसी को बोरो किए हैं जो तुहाडे वैसे लोड पै जाती बच्चे इनिशियली फेज के। सो 5.5 सरकार को नहीं गया, उन्होंने को पे है बट वो तुहाडे वास्ते है, वो तुहानू ही मिलना है, तो प्रैक्टिकली तो बच्चा उन्ने ही गया, बट एक इनवैसटमेंट बच्चे ज्यादा करनी पई। सो एस टी एस भी बच्चा उन्ने ही जा रहा बट इनवैसटमेंट करके जा रहा, क्योंकि उत्थे वो रूल है रेगुलेशन उन्होंने फॉलो करना पैना, तो प्रैक्टिकली हूँ
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਨਰਲ 'ਚ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜਨਰਲ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤਾਂ CNA ਜਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ 'ਚ CNA ਕਾਲਜ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦੇਖ ਲਓ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸ ਤੱਕ ਆਊਟਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ 5 ਲੱਖ ਫੀਸ ਵਾਲੇ, ਤੋ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ GIC ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਟੋਰੀ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ GIC ਐਕਸਕਲੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਹੋਣ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੋਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।